दोस्तों डॉन 3 काफी समय से चर्चा में है। फिल्म को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है। इस फिल्म में अब डॉन की भूमिका में शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन नहीं बल्कि रणवीर सिंह नजर आने वाले हैं। काफी समय से रणवीर सिंह के ऑपोजिट नजर आने वाले एक्टर को लेकर चर्चा हो रही है। अब खबर है कि इस रोल में प्रियंका चोपड़ा नजर आने वाली है। काफी समय से डॉन 3 में रणवीर सिंह के ऑपोजिट एक्टर को लेकर चर्चा हो रही है। कभी कियारा अडानी तो कभी दीपिका पादुकोण के नाम को लेकर कई तरह के खयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब खयासों पर विराम लग गया है। खबर है कि फिल्म में प्रियंका चोपड़ा की एंट्री होने वाली है। हालांकि मेकर्स ने इसकी लीड एक्टर का खुलासा नहीं किया है, लेकिन फिल्म से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इसे रणवीर सिंह के ऑपोजिट प्रियंका चोपड़ा ही फरमाती नजर आने वाली है। डॉन 3 में प्रियंका चोपड़ा से पहले लीड एक्टर के लिए कियारा अडानी, दीपिका दुकान और कुर्ती सनन जैसे कई एक्टर्स के नाम पर चर्चा हो रही थी। कहा तो ये भी जा रहा था कि कियारा अडानी कई बार फरवान अख्तर और रिश्ते सिद्धवानी के ऑफिस के बाहर भी नजर आ चुकी है। बता दे कि फिल्म डॉन का पहला पार्ट साल 1978 में आया था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने अपने किरदार से फैंस का दिल जीत लिया था। इसके बाद साल 2006 में डॉन के दूसरे पार्ट में शाहरुख खान नजर आए थे। इस फिल्म के रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। फिल्म में शाहरुख खान और प्रियंका की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया था। अब 2025 में डॉन का तीसरा पार्ट रिलीज होने वाला है। क्या आप भी देखने के लिए एक्साइटमेंट है तो कमेंट में जरूर बताना।